देखो एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दो दिन पंजाब दौरे ते पहुंच चुके ने ते इस दौरान कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार नु लेके वड्डा ऐलान कर सकते ने, पर केजरीवाल ने साफ कर दिता है कि अगले हफ्ते सीएम चेहरे दा ऐलान किया जाएगा। सीएम चेहरे दे लिए भगवंत मान दे नाम दी जोरां ते चर्चा हो रही है। इस तो अलावा अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चोणां विच आम आदमी पार्टी की जित का दावा भी किया। उन्होंने कहना है कि बादल परिवार ते कांग्रेस तो हुण पंजाब दे लोग तंग आ चुके ने, इन्हां दोवां ने पंजाब नु बहुत लुटिया ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬਰਸੋਂ ਸੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ कांग्रेस और बादल परिवार के गठजोड़ का सिलसिला चल रहा था, इतने बरसों से दोनों बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलके पंजाब को लूट रहे थे, ये सिलसिला बंद होगा, पंजाब खुशहाल होगा और पंजाब का अच्छा समय अब आने वाला है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके, और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। सीएम चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट